नमस्कार, मैं दिबांजी मोइत्रा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा की तरह पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापा और ये उसे बहुत भारी पड़ गया। भारत के तर्क के आगे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू-थू हो गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर झूठा प्रपंच किया गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की सेना कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रही है और निर्दयता पूर्वक सामान्य लोगों को निशाना बना रही। पाकिस्तान के इस झूठ का भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया। UNHRC में भारत के परमानेंट मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जो देश अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का खून बहाता है और उनका नरसंहार करता है, उसे कश्मीर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक को संरक्षण देने के लिए जाना जाता। पाकिस्तान को टेररिस्तान नाम संयुक्त राष्ट्र में ही मिला था। भारत के कई पूर्व विदेश मंत्री ओजस्वी और सर्वश्रेष्ठ भाषण ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में बेनकाब किया। पाकिस्तान को आतंकियों का जनक करार देते हुए कहा था कि अगर टेररिस्तान आतंकियों को पालना पोसना बंद कर दे तो दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान में सत्ता की चाबी आतंकवादियों के हाथ में। इमरान खान केवल दिखावे के लिए सत्ता में और नाम के लिए आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री। आतंकिस्तान में वही होता है जो आतंकवादी चाहते हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने कहा कि एक ऐसा देश जो धार्मिक कट्टरवाद और खून खराबे से बना है, जिसके इतिहास में तख्ता पलट की घटनाएं भरी पड़ी, वहां ईश निंदा का इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों को डराने के लिए किया जाता है। जिनेवा में आयोजित मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश है जहां सरकार नरसंहार कराती और पाकिस्तान लगातार कश्मीर में शांति बाधित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है कि पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद और उसकी प्रक्रिया को केवल इसलिए अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत के खिलाफ अपना एजेंडा पूरा कर सके।